जैसा कि हम लोगों ने किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा में देखे थे कि जो फंगाई लाइक प्रोटिस्टा है वो कंप्लीट हुआ था हमारा, और फंगाई लाइक प्रोटिस्टा के बाद में नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। तो ये थर्ड ग्रुप एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का जो सबसे मेन और कॉमन है वह है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को लिटरली हम लोग फर्स्ट एनिमल बोलते हैं, लिटरली लिटरली नोन एज फर्स्ट एनिमल। तो किंगडम ऑफ प्रोटोजोआ जो है ये लिटरली फर्स्ट एनिमल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। चलिए ये बात तो हो गई कि द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ ही जो है वो मेन आता है, मेन ग्रुप यही है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो बॉडी है वह प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इट इज प्रोटो प्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब होता है कि उसके बॉडी का सारा वर्क वो एक सिंगल सेल के थ्रू यानी अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू ही करेगा, बाकी उसमें किसी और का वो हेल्प नहीं लेगा। तो अपना सारा चीज वो चाहे वो एक्सक्रीशन हो, रिस्पायरेशन हो, डिफ्यूजन हो, ईच एंड एवरीथिंग, दैट मीन्स उसके बॉडी के फिजियोलॉजिकल के जितने भी एक्शन हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल से वो कंप्लीट करेगा। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सब अलग अलग तरह के लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल किंगडम में भी बारी बारी से आता है। तो यहां पर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब हुआ ऑल बॉडी फिजियोलॉजी इज कंप्लीट बाय सिंगल सेल, और वो भी कैसे, तो इंटरनली। तो अपने बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो इंटरनली एक सिंगल सेल के थ्रू ही कंप्लीट करेगा। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि ये जो प्रोटोजोआ के कुछ और कॉमन कैरेक्टर हैं, बॉडी जो होगा बॉडी इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल होता है। कहने का मतलब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हम लोग कल भी देखे थे। सिमेट्रिकल का मतलब कि जिसे किसी भी प्लेन से टू इक्वल हाफ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इसको किसी भी प्लेन से चाहे इस तरह से कट करें या इस प्लेन में कट करें या फिर हम लोग इसको इस प्लेन से कट करें, किसी भी प्लेन पे अगर उसको कट करते हैं तो ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इस तरह के जब बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का मतलब कि जिसे हम लोग किसी भी प्लेन पे टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज एसिमेट्रिकल। साथ ही साथ यह फ्री लिविंग भी होता है और
पैरासिटिक भी होता है। देखिए पैरासिटिक टर्म जो होता है पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है कि जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी दूसरे एनिमल से पूरा करे, खाना कोई और बनाएगा और ये जाके बना बनाया खाना उससे पूरा करके ले लेगा, ये कुछ नहीं करेगा, तो दैट इज द पैरासिटिक नेचर। तो ऐसे बहुत सारे पैरासाइट ऐसे बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो इस तरह के नेचर को शो करते हैं, उसको पैरासाइट ही बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं या तो यह फ्री लिविंग होगा या पैरासिटिक होगा। कुछ फ्री लिविंग का एग्जांपल देख लीजिए, फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स, फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स में जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम और कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स को देखिए। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, अब आप सोच रहे होंगे सर यूग्लिना तो यूग्लेनॉइड में आया था, फिर उसको यहां पर क्यों लेके चल रहे हैं? तो हमने कल भी कहा था कि यूग्लिना जो है वह दोनों के बीच का है, ठीक है, यानी फंगाई और एनिमल के बीच के कैरेक्टर को लेके चलता है, तो दैट इज यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है वह एनिमल के जैसा कैरेक्टर, यानी वह होलोजोइक न्यूट्रिशन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, ये जब लेके चलता है तो एनिमल के जैसा, इसलिए उसका एग्जाम्पल यहां पर भी दिए हैं। और पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में आपका है एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वह है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के, ठीक है। देखिए मोस्ट प्रोटोजोन्स आर सॉलिटरी, इसमें एक वॉल्वॉक्स भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, मोस्ट प्रोटोजोन्स आर सॉलिटरी होते हैं, यानी ये अकेले रहने वाले होते हैं, बट कुछ है जैसे वॉल्वॉक्स जो यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं, बट सम आर कोलोनियल, एग्जाम्पल कोलोनियल का है जैसे वॉल्वॉक्स। मैक्सिमम क्या होते हैं वो फ्री लिविंग है, मैक्सिमम जो होते हैं वो सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी का मतलब हम बार बार आपको करा रहे हैं, जो अलोन रहता है, अकेले रहता है, ग्रुप में नहीं रहेगा, तो मोस्टली जो होते हैं वो अलोन रहते हैं, सोलिटरी होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, और कॉलोनियल का एग्जाम्पल है ये वॉल्वॉक्स। फिर देखो कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपना लोकोमोशन जो है वह तीन तरह के ऑर्गेनिज्म की मदद से करते हैं, तीन तरह का, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोकोमोशन थ्रू ऑर्गेनिज्म। जैसे सबसे पहले फर्स्ट में देखो, एक होता है स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडियल लोकोमोशन होता है। स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फीट, यानी यह पूरी तरह से कोई पैर नहीं है, पैर के जैसा काम करने वाला एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो स्यूडोपोडियल, तो इससे जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट, और ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में।
स्यूडोपोडिया भी जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं, जैसे लोबोपोडिया, उसके बाद में फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और साथ ही साथ एक्सोपोडिया। ये फोर अलग अलग टाइप्स के, ये कौन तो स्यूडोपोडिया के फोर टाइप्स है। फोर टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के ये फोर टाइप्स हैं। उसके बाद में साथ ही साथ ये देखो तो ये फर्स्ट वाला हमने लिखा है थ्री टाइप्स के, तो सेकंड जो होता है वह फ्लैजिला, फ्लैजिला के थ्रू जो है यह मूवमेंट करेगा। तो फ्लैजिला के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला के थ्रू होने वाले मूवमेंट को फ्लैजिलर मूवमेंट। और उसके बाद में होगा सिलिया से, तो ये थर्ड में आ गया सिलिया। फ्लैजिला से जो मूवमेंट होता है वह होता है फ्लैजिला से मूवमेंट यूग्लिना में, फ्लैजिलर मूवमेंट यूग्लिना में, और सिलिया से जो मूवमेंट होता है वह है पैरामेसियम में। ये हो गया मूवमेंट पैरामेसियम में। तो सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलरी मूवमेंट और सीडोपोडियल मूवमेंट, ये तीन तरह का मूवमेंट जो है वह प्रोटोजोन्स में देखने को हमें मिलता है। इतनी सारी बातें हो गई, अब आप ये कुछ पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ में ये देखो कि इसमें जो मूवमेंट के बाद में अगर हम लोग इसमें एक्सक्रीशन या रिस्पायरेशन या डिफ्यूजन की बात करें तो मैक्सिमम जो इसका पार्ट है सेल वॉल तो होता नहीं है क्योंकि यह एनिमल लाइक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं नो सेल वॉल, और सेल वॉल अगर नहीं है तो द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग कहते हैं प्लाज्मा लेमा। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के टॉपिक में हमारा आएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं। कोई भी सेल का जो कवरिंग पार्ट होता है, हम बार बार आपको बताए हैं कि बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल नहीं होगा। अगर लिविंग सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही, लिविंग सेल अगर नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकता है। अगर एक सेल लिविंग कंडीशन में मेंटेन है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है नेचुरल कंडीशन में। तो यहां पर अगर सेल वॉल नहीं है तो यानी सेल वॉल का मतलब क्या हुआ, अगर यह एक सेल है और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक नॉन लिविंग पार्ट होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल लिविंग में नहीं आता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो ये हो गया सेल वॉल। अब हम कह रहे हैं कि इसमें सेल वॉल नहीं है, तो अगर ये लेयर अभी क्या है, आउटर लेयर सेल वॉल है, और अगर इस लेयर को हटा दिया जाए, अब आप खुद से समझ लो कि जो आउटर लेयर हो गया अब वो क्या हो गया, या आउटर कवरिंग पार्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई घर में दो दरवाजे हैं, एक मेन गेट है एक उसके बाद का, और मेन गेट अगर टूट गया तो फिर मेन गेट कौन हो गया, दूसरा वाला जो गेट हो गया वही मेन गेट हो गया। तो उसी तरह यहां पर सेल वॉल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है वो कवरिंग लेयर हो गया पूरे सेल का, और यही प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिफ्यूजन का काम कराता है किसमें, तो ये प्रोटोजोन्स में। तो सेल डिफ्यूजन, आप जब तक नीचे की पॉइंट को नोट डाउन करेंगे
डिफ्यूजन डिफ्यूजन थ्रू थ्रू प्लाज्मा लेमा या बॉडी सरफेस या इसी को क्या कहेंगे, और बॉडी सरफेस। अब ये बॉडी सरफेस का बात क्या हो गया भाई, बॉडी सरफेस यानी यही जो हुआ, ये सेल जो हुआ ये इसका बॉडी सरफेस भी कह देंगे, ये बाहर का जो सरफेस है ये बॉडी सरफेस हुआ या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या प्लाज्मा लेमा उसी को कहते हैं। तो उसके थ्रू ये डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, तो किस चीज का डिफ्यूजन, देखिए एक्सक्रीशन या एक्सक्रेटरी कंपोनेंट ही एक्सक्रेटरी कंपोनेंट इज अमोनिया। इसका एक्सक्रेटरी कंपोनेंट क्या होता है, अमोनिया। अब यहां पे हम दोनों चीजों को समझा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले यह मान लो कि यह एक प्रोटोजोन है या प्रोटोजोआ है, ठीक, एक सिंगल है तो प्रोटोजोआ हो गया। और एक्सक्रेशन का मतलब जैसे हम डेली यूरिनेशन करते हैं, हमारे बॉडी से यूरिन डिस्चार्ज होता है, तो यूरिन जो डिस्चार्ज होता है वो क्या है, वो हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, वो हमारे बॉडी के जो टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट से या फिर जो डाइजेशन के बाद में जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेज हैं उसको वह डिस्चार्ज करता है, बॉडी से निकालता है, वो हमारा एक्सक्रेटरी कंपोनेंट हुआ। उसी तरह यहां पर ये जो इसका बॉडी है या एक प्रोटोजोआ है, और इस प्रोटोजोआ में अगर कोई कंपोनेंट जैसे यहां पर अमोनिया बना, अमोनिया एक नाइट्रोजिनस कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है या अमोनिया, और इसको डिस्चार्ज होना जरूरी है क्योंकि यह टॉक्सिक होता है। अब ये निकलेगा कैसे, तो ये निकलता है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है हमारा, हमारा डिफ्यूजन कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी ये हो गया हायर और यहां हो गया यह लोअर, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो जब ये यहां पर ये हो गया टर्म डिफ्यूजन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही डिफ्यूज करवाता है किसको, इस अमोनिया को। तो अंदर में जब अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये अमोनिया ज्यादा हो गया तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से बाहर आएगा, और हायर से लोअर की ओर आया तो यह हो गया डिफ्यूजन, और किसके थ्रू, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी यही हो गया इसका बॉडी सरफेस। तो ये बॉडी सरफेस के थ्रू देखो ये डिस्चार्ज होकर के बाहर आया तो ये हो गया उसका डिफ्यूजन यानी एक्सक्रेशन, क्योंकि यह एज एक्सक्रेटिव कंपोनेंट क्या बनता है, अमोनिया बनाता है, और इसी अमोनिया को डिस्चार्ज करना होता है। अब डिस्चार्ज ये हायर से लोअर क्यों, क्यों, प्रोटोजोआ जो एनर्जी जो है वो या तो वाटर में होगा या फिर डैम सॉइल वगैरह के एरिया में होता है, और मोस्टली यह फ्रेश वाटर होते हैं, ये जनरली फ्रेश वाटर होता है। तो यहां पर ये देखेंगे तो वाटर में अगर है, तो जिस वाटर में है उस वाटर में अगर मान लो कि अमोनिया का कंसंट्रेशन कम है, तो जैसे ही इसमें हाई होगा तो हायर से लोअर की ओर आ जाएगा, और वाटर में अमोनिया कम होगा ही, तो जैसे ही अमोनिया इसमें बनेगा हायर कंसंट्रेशन होगा और हायर से लोअर की ओर डिफ्यूजन कर देगा। तो प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन सा लिविंग वाटर एंड डैम्प सॉइल
और वाटर में भी मोस्टली ये हो गया फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये कहां रहता है, तो ये रहता है फ्रेश वाटर में। उसके बाद की चीजों को देखेंगे हम लोग। अब आएंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये कौन कौन सा करता है देखेंगे आप। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन जनरली या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन क्या है, तो जब या एक सेल टू इक्वल हाफ में इस तरह से डिवाइड करे या फिर टू इक्वल हाफ में इस तरह से डिवाइड करे, तो ये जो हुआ बाइनरी फ्यूजन हुआ। बाइनरी फ्यूजन भी अलग अलग तरह का, सिंपल जो है वह अमीबा में होता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा में। उसके बाद में एक होता है ट्रांसवर्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से। तो इस तरह का जो है ट्रांसवर्स वह हो जाएगा पैरामेसियम में और लॉन्गिट्यूडनल युगलिना में, ठीक है ना। उसके बाद में एक होता है, अब इसमें सेक्सुअल के बाद में अगर हम लोग इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कंजुगेशन, कंजुगेशन का एग्जांपल है पैरामेसियम, कंजुगेशन में पैरामेसियम। इतनी सारी जो बातें अभी तक हमारी हुई वह हमारा है पूरा का पूरा प्रोटोजोन्स पे, यानी कि प्रोटोजोआ का जो कॉमन कैरेक्टर कि क्या क्या होता है, क्योंकि प्लांट एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट में प्रोटोजोआ ही सबसे मेन है और इसी प्रोटोजोआ में ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो प्रोटोजोआ में कौन कौन, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ब्लास्टिडियम हुआ, प्रोपेटोसोमा हुआ, अमीबा हुआ, एंट अमीबा हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, ठीक है। ये सभी जो है वह प्रोटोजोआ में इंक्लूड है और एक प्रोटोजोआ का कॉमन जो कैरेक्टर अभी तक हम लोगों ने देखा वह इस तरह से आया हमारे साथ में, ठीक। अब इसके बाद में अब हम लोग पूरा का पूरा जो है वह देखेंगे अमीबा का, एक इसका कॉमन एग्जांपल अमीबा को लेकर के चलेंगे और अमीबा का क्या क्या एक कॉमन चीज है वह हम लोग पूरा देखेंगे। बहुत ज्यादा अब इसमें जरूरत नहीं है, अमीबा से कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो अमीबा के बारे में आपको थोड़ा जानना है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, अमीबा है, अमीबा के बाद में एंट अमीबा है। एंट अमीबा का रोल हमें हेल्थ एंड डिजीज में यानी क्लास 12 के चैप्टर में आता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फाल्सिपेरम, ये सब जो होते हैं वह हमारा क्लास 12 में हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है उसमें इनका पूरा रोल है। तो जो प्रोटोजोअल डिजीज आएगा, प्रोटोजोअल डिजीज में मतलब ये सारे, तो प्रोटोजोअल का मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज, प्रोटोजोआ कौन कौन है, तो ये सारे प्रोटोजोआ है। तो इसीलिए अमीबा को हम लोग कॉमन एक बार देखेंगे कि अमीबा में क्या क्या चीजें हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अमीबा के लिए। जब तक आप ऊपर की चीजों को नोट डाउन करेंगे, अब देखिए तो थोड़ा सा हम लोग अमीबा को लेकर के चलेंगे कि अमीबा क्या है हमारा, ठीक है ना।
अमीबा जो है एक्चुअली में ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है चेंजिंग स्ट्रक्चर या चेंजिंग लोकोमोशन के रूप में। तो यह एक ग्रीक वर्ड है अमीबा। और हालांकि अब इन सब चीजों का साइंटिस्ट का नाम, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, ये सब पहले पूछा जाता था, अब इन सब चीजों का कोई रोल नहीं रह गया है क्योंकि अब इधर काफी दिनों से ये सब चीज से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों का बहुत ज्यादा, लेकिन एक नोट्स के रूप में या थोड़ा सा जानकारी के रूप में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह एक ग्रीक वर्ड है AMOIB, ग्रीक वर्ड एमओई का मतलब होता है चेंज, ठीक। अब देखिए अमीबा जो है वह एक यंग फ्रेश वाटर और सॉइल में सर्वाइव करता है, प्रेजेंट होता है या लाइव इन ए लिव इन वाटर, फ्रेश वाटर और सॉइल, वहां पे ये मिलेगा, ठीक है। तो अमीबा में एक चीज कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अमीबा को हम लोग कल्चर कैसे करते हैं, कल्चर का मतलब क्या हुआ। कल्चर का मतलब हुआ कि जब हम किसी लैबोरेटरी में किसी चीज को न्यूट्रिशन और प्रॉपर टेम्परेचर दे करके उसका ग्रोथ कराते हैं उसको कल्चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल कल्चर, अमीबा कल्चर, तो ये बैक्टीरियल कल्चर अमीबा कल्चर का मतलब क्या हुआ कि यह एक मान लो कि सीजे का यानी कि यह एक पेट्री डिश है, ठीक। और इस पेट्री डिश में हम लोग इसका मीडिया लगा दिया, अब एक टर्म आ गया मीडिया, मीडिया मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो न्यूज देता है वो मीडिया नहीं है, बायोलॉजी में मीडिया का मतलब हो गया यहां पर, यह मीडिया का मतलब इसका फूड यानी न्यूट्रिशन, ठीक है ना, न्यूट्रिशन। तो ये इस तरह का, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो बैक्टीरिया है इसको यहां पर डाल दिए कुछ बैक्टीरिया को, और इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या किए हम लोग, इंक्यूबेट कर दिए, रख दिए, और जो दो दिन या 48 आवर्स के बाद हम लोग इसको निकालेंगे तो देखेंगे कि इसी पेट्री डिश पे बहुत सारे कॉलोनी के रूप में या इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए हैं। तो ये एक से इतने सारे या चार से इतने सारे बैक्टीरिया हुए तो क्या हुआ, ये बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, और सारा काम लैबोरेटरिकल कंडीशन में हमने लैबोरेटरी में किया है, इसी को कहते हैं हम लोग कल्चर। तो जब बैक्टीरिया का किए तो इसको क्या देंगे हम लोग, बैक्टीरियल कल्चर। अगर अमीबा का करेंगे तो हम लोग कहेंगे इसको अमीबा कल्चर। तो अमीबा का कल्चर जिस मेथड से होता है उसको कहते हैं हे इन्फेक्शन मेथड। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, आपको ये याद रखना है अमीबा इज कल्चर बाय हे इन्फेक्शन मेथड, अमीबा इज कल्चर बाय हे इन्फेक्शन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग अमीबा को कल्चर करते हैं। अमीबा रहता है कहां, तो फ्रेश वाटर या सॉइल में रहेगा। उसके बाद में देखो अमीबा जो है वह पूरी तरह से कैसा है, तो अमीबा कंप्लीटली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ठीक है। तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब होलोजोइक कंप्लीटली मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो गया हेटरोट्रॉफिक। और वैसे भी अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसकी, एनिमल लाइफ और किसकी, एनिमल कैसा है, तो एनिमल हेटरोट्रॉफिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता था, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं
जितने भी प्रोटोजोआ, अभी प्रोटोजोआ देखे ना हम लोग, तो प्रोटोजोआ आप उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन छूट गया तो इधर कर लीजिए, प्रोटोजोआ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होलोजोइक और सैप्रोफिटिक, ये दोनों मोड ऑफ, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अब खा करके अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा करे उसको कहते हैं हम लोग सैप्रोफिटिक। एक होलोजोइक ये हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया। होलोजोइक आप जानते हैं इनगेस्ट सॉलिड फूड जैसे हम लोग, और सैप्रोफिटिक कोई जानवर कहीं मर गया वहां से बदबू आती है वो सड़ता है, कुछ दिन में वो गायब हो जाता है, तो उसके बॉडी के मसल कहाँ गायब हो गए, तो उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोजोन्स का ग्रोथ हो जाता है जो उसको खा करके खत्म कर देता है, तो वो हुआ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में इस तरह का, तो अगर ये हम लोग बात करें अमीबा की, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होगा या मतलब हेटरोट्रॉफिक होगा। ये चीज को समझ गए आप, अब आगे देखिए अमीबा का, अमीबा में जो इसका प्लाज्मा लेमा है यानी वह पूरी तरह से दोनों काम को करेगा, एक्सक्रीशन थ्रू डिफ्यूजन और डिफ्यूजन करा के किसका डिफ्यूजन कराएगा, तो वह जो अमोनिया बन रहा है यानी कि एक्सक्रेटरी कंपोनेंट को डिफ्यूज कराएगा, एक्सक्रीशन से बनने वाले जो कंपोनेंट है उसको बॉडी से बाहर कराएगा थ्रू द डिफ्यूजन। तो एक्सक्रीशन का काम और रिस्पायरेशन का काम दोनों काम जो है वह इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। तो यहां ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा परफॉर्म बोथ एक्सक्रीशन थ्रू डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हम लोग रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में हम लोग O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, तो ये O2 का लेना और CO2 का बाहर आना ये कैसे होता है, ये एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है जो हमारे लंग्स में और हमारे टिश्यू के लेवल पे दो जगह डिफ्यूजन होता है, ये पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस करके हमारा टॉपिक है, वहां पे बहुत डिटेल जाना है हम लोगों को ये सारी चीजों को। डिफ्यूजन अभी आपको पता है कहाँ कहाँ आएगा, डिफ्यूजन आपको अभी आएगा सेल के टॉपिक में जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, डिफ्यूजन आपको आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, और डिफ्यूजन आपको आएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में। तो डिफ्यूजन ये एक फिजिकल प्रोसेस है, डिफ्यूजन इज नॉट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये अभी पूरा डिटेल आएगा बहुत सारी जगहों पे। तो मतलब डिफ्यूजन का मतलब इतना याद रखो कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तो जब रिस्पायरेशन होता है हमारे बॉडी में हो या फिर ये अमीबा के बॉडी में हो तो उसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ CO2 या रिस्पायरेशन में डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 दोनों काम। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सक्रीशन का काम किया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यह डिफ्यूजन का भी काम किया, दोनों काम इसमें एक साथ होते हैं किसके थ्रू, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। तो आपको ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में चलो देखो इसमें लोकोमोशन, लोकोमोशन अभी आप देखे थे प्रोटोजोआ में ही हम लोकोमोशन का डिस्कशन किए थे, तो लोकोमोशन सीडोपोडिया से आया था अमीबा में, तो लोकोमोशन किसके थ्रू, तो लोकोमोशन
अकर्षदाई सीलोपोडिया, और सीलोपोडिया में भी लोबोपोडियल ये जो लोबोपोडियल लोकोमोशन होता है वह अमीबा में होता है। और सीलोपोडिया का मतलब क्या है, सीलोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिट, ठीक है। तो ये फॉल्स फिट के थ्रू और अमीबा के लोकोमोशन को ही हम लोग कहते हैं अमीबॉइड लोकोमोशन, लोकोमोशन ऑफ अमीबा इज नोन एज एमीबॉइड मूवमेंट, इसी को एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद में देखो इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होते हैं इसका सॉलिड एंड बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव न्यूक्लियस होता है किसका, अमीबा का। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। और डीएनए जैसे हम उस दिन बताए थे ना, डीएनए का मतलब समझो कि यह एक पेपर का रील है, ठीक है। इस पेपर के रील पे इस तरह से धागा जो है लपेटा हुआ है, ये जो धागा है बेटा वह डीएनए है, और यह पेपर का जो रील होता है वह प्रोटीन है, और इस डीएनए और प्रोटीन को मिला करके हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और यही जो इस तरह का एक सिंगल धागा था, ऐसा ऐसा बहुत सारा धागा का रील होगा, तो यह एक सिंगल रील को हम लोग कह दिए क्रोमैटिन, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल जो होते हैं वो बहुत सारे, तो सॉलिड बाइकॉनकेव और इसके अंदर लगभग 500 to 600 क्रोमैटिक मटेरियल होते हैं, कितने 500 to 600 इसमें क्रोमैटिक मटेरियल होते हैं, जो क्या करता है, जो उसके जेनेटिक मटेरियल को बहुत हाई कर देता है। अमीबा प्रोटियस एक ऐसा स्पेसिस है जिसमें लगभग 260 से ज्यादा क्या होते हैं क्रोमोजोम होता है, अमीबा प्रोटियस 260 क्रोमोजोम। उसके बाद में आई थिंक 260 या 290 आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है मैं इसको आपको बाद में कंफर्म करता हूं, मोस्ट प्रोबेबली 260 या 290 होता है, ठीक है। अब ये देखो अमीबा में नो स्केलेटन, अमीबा में कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं है, बिना स्केलेटन का ही वो रहता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमीबा किसी चीज को कैसे समझ पाता है, उसके लिए उसमें एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्ड करने के लिए एक कंपोनेंट होता है, यानी उसके अंदर एक सेंसर होता है जिसे टैक्सिस कहते हैं, टैक्सिस का मतलब मूवमेंट, ठीक है ना। तो अमीबा रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, अमीबा रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट बाय टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब मूवमेंट। और ये मूवमेंट कैसा, पॉजिटिव मूवमेंट करेगा या निगेटिव मूवमेंट, अगर उसके फेवरेबल का है तो उधर की ओर जाएगा, और उसके फेवरेबल का नहीं है तो उधर की ओर नहीं जाएगा। अगर उसे लाइट में जाना है तो वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स यानी पॉजिटिव
मूवमेंट किया और राइट की तरफ नहीं जाना है तो निगेटिव करेगा वो। तो ये जो मूवमेंट है यानी टैक्सिस है तो ये कैसे करेगा, दे रिस्पॉन्ड बाई पॉजिटिव और निगेटिव मोमेंट, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे टैक्सिस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर लाइट के लिए उसे रिस्पॉन्ड करना है तो लाइट जिधर से लाइट आ रहा है तो उधर की ओर वो जाएगा तो उसका क्या हुआ, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ। और लाइट में नहीं जाना है तो उधर से बैठ जाएगा तो वो निगेटिव टैक्सिस हुआ, यानी निगेटिव रिस्पॉन्स हो गया उसका। तो ऐसे ऐसे हर एक चीज के लिए, जैसे केमोटैक्सिस यानी केमिकल के लिए उसके अंदर जो रिस्पॉन्स है उसको कहते हैं केमोटैक्सिस। उसी तरह लाइट के लिए रिस्पॉन्स करेगा, उसी तरह वाटर करेंट के लिए करेगा, उसी तरह वो टच के लिए करेगा। तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर के लिए, अलग अलग तरह के मूवमेंट के लिए वो अलग अलग टैक्सिस का रोल प्ले करता है। तो उस चीज को देखेंगे हम लोग। जैसे टच के लिए अगर करेगा, जैसे एक बोलते हैं हम लोग केमोटैक्सिस का मतलब हुआ केमिकल के लिए रिस्पॉन्स करना, ये केमिकल के लिए रिस्पॉन्स करेगा तो केमोटैक्सिस को हो जाएगा। उसी तरह थिग्मोटैक्सिस का मतलब यह टच के लिए है, यानी टच के लिए यह रिस्पॉन्स देगा तो उसको कहेंगे हम लोग केमो, ये थिग्मोटैक्सिस। उसी तरह फोटोटैक्सिस का मतलब लाइट के लिए। अभी हम बहुत बता रहे थे आपको कि अगर लाइट में जाना है तो वो पॉजिटिव और लाइट से दूर आना है तो निगेटिव। तो ऐसे ऐसे ये इस तरह का टैक्सिस यानी मूवमेंट को यह दिखाएगा, फोटोटैक्सिस, थिग्मोटैक्सिस और केमोटैक्सिस। उसी तरह है आपका गैल्वेनोटैक्सिस, रियोटैक्सिस, गैल्वेनोटैक्सिस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करें और रियोटैक्सिस का मतलब हो गया वाटर करें। तो इस तरह के अलग अलग चीज के लिए यह अलग अलग टैक्सिस दिखाता है ताकि वह उस चीज के लिए रिस्पॉन्स दे सके। तो ये सब एक तरह का रिसेप्टर है जिसके बेसिस पर वो रिस्पॉन्स देता है कि हाँ हम अभी हमें ये काम करना है या ये काम अब हमें नहीं करना है। उसके बाद देखिए इसका साइटोप्लाज्म, आप नोट डाउन करते चलेंगे। साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म दो पार्ट में बटा होता है, यानी दो तरह से बटा हुआ, कोई लेयर या किसी चीज से बटा हुआ नहीं है। हम लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से ये करते हैं। एक होता है इसका एक्टोप्लाज्म यानी बाहरी वाला, साइटोप्लाज्म के बाहर का हिस्सा, और दूसरा हुआ इंडोप्लाज्म। इसी इंडोप्लाज्म में इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है,
और यह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कौन सा इंपॉर्टेंट रोल, तो अभी देखेंगे। यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑस्मो रेगुलेशन का। अब आप मान लिया कंफ्यूज है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हुआ कि अपने बॉडी में किसी चीज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, यानी हमारा बॉडी ऑस्मो रेगुलेट है। अलग अलग मीडियम में जाकर के हमारे बॉडी का इंटरनल जो बॉडी फ्लूड का जो कंपोनेंट है वो अलग नहीं होता है। यानी हमारा बॉडी हमेशा बॉडी के टेम्परेचर को और बॉडी के इंटरनल फ्लूड के कंसंट्रेशन को यानी उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेश वाटर में नहाने गए हैं तो हमारा पीएच जो है वो 7.1 है और हम सी वाटर में नहाने के लिए गए हैं तो हमारा पीएच जो है वो तुरंत नीचे दैट मीन्स की 4.5 हो जाए, ऐसा नहीं है। किसी भी अलग अलग मीडियम में हम अपने बॉडी के टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करते हैं। तो पीएच का मतलब कि किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन का मेंटेन होना, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन इस अमीबा में किसके थ्रू होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल देखिए कि जैसे इफ अमीबा प्लेड इन डिस्टिल वाटर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का। और उसी के बारे में हम समझा रहे हैं कि जैसे अगर हम इफ अमीबा प्ले इन डिस्टिल वाटर, अगर अमीबा को डिस्टिल वाटर में रखते हैं देन देयर वैक्यूल इज मोर एक्टिव, उसका जो वैक्यूल होगा वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बट वेन अमीबा इज प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर, अगर इसे हम लोग इसको सॉल्ट वाटर में फिर डाल दिए देयर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज डिसअपीयर, तो उसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन भी डाल देता है कभी कभी कि अमीबा है और उस एक अमीबा को हम लोग वाई एच मीडियम से वाई मीडियम में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, और फिर लिखेगा कि एक्स मीडियम फ्रेश वाटर था और वाई मीडियम जो है वह सॉल्ट वाटर है, तो क्या होगा। और देन उसी अमीबा को फिर से हम लोग एक्स मीडियम में ट्रांसफर कर देते तो क्या होगा। हमने क्या कहा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन किस तरह से दे देगा, कहेगा कि कोई यहां पर एक एक्स मीडियम है, एक्स मीडियम से ट्रांसफर हुआ है अमीबा वाई मीडियम में और फिर से ट्रांसफर हो गया है एक्स मीडियम में, तो क्या हो सकता है। और लिख देगा, और ये अमीबा है यानी ये ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो सकता है, और फिर डैश लगा के दे देगा आपको कि एक्स मीडियम का मतलब हो गया डिस्टिल वाटर और फिर से वाई मीडियम का मतलब हो गया सॉल्ट वाटर, तो क्या क्या हो सकता है। तो एक्स मीडियम से जैसे ही अमीबा वाई मीडियम में आएगा तो नो वैक्यूल, आप मतलब वैक्यूल डिसअपीयर या नो वैक्यूल
और फिर से जब वाई मीडियम से वही एक्स मीडियम में आएगा तब फिर से क्या होगा उसमें, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फिर से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आ जाएगा। तो ये वैक्यूल का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो वैक्यूल का इंपॉर्टेंट रोल होता है वही ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अमीबा का इतना सारा बात हम लोग देख लिए, अब एक पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसका रिप्रोडक्शन, यानी अमीबा में रिप्रोडक्शन जो है वह कौन सा होता है। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन जो है वह सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा जो है वह होता है आपका बाइनरी फिजन का, ठीक है, जो 30 मिनट में ज्यादातर डिवाइड कर जाता है। रिप्रोडक्शन, इससे पहले प्रोटोजोआ में भी हमने आपको लिखा था कि इसमें कौन सा, तो बाइनरी फिजन का सिंपल बाइनरी फिजन इसमें देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, तो वो भी कितने देर में, कहीं 30 मिनट, यानी जब एक अमीबा जो है, अमीबा को इस तरह से कैसे कैसे भी आप बना के दिखा सकते हैं, यह एक अमीबा डिवाइड करके, ठीक है ना, ये एक अमीबा डिवाइड करके और दो अमीबा में बन जाते हैं, और दोनों अमीबा जो होंगे वह इक्वल हाफ होंगे, यानी दोनों साइज में सेम होगा। और ये काम कितने मिनट में, तो ये 30 मिनट में, इसी को कहते हैं हम लोग बाइनरी फिजन, ठीक है ना। अमीबा आप जानते हैं मोड ऑफ, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो यह होलोजोइक होता है अमीबा में, ठीक। तो इतनी सारी बातें जो है वो हमारा अमीबा का कंप्लीट हो गया, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अमीबा में। अगर कुछ आगे हमें एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको हम लोग फर्दर फिर देखेंगे। अमीबा का एक जनरल पॉइंट हमारा इतना, ये ठीक है, इतने से हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे एंट अमीबा का, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा प्लाज्मिडियम वगैरह जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।